स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान द्वारा आयोजित गुरुकुल संस्कृति का अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय गुरु महाराज श्री देव कृष्ण दास जी स्वामी, आदरणीय महंत स्वामी श्री देव प्रसाद दास जी स्वामी, आदरणीय श्रद्धेय श्री वल्लभ धर्म वल्लभ स्वामी जी, आत्मा परियोजना के OSG श्री दिनेश पटेल जी, माननीय डॉक्टर CK टिम्बड़िया जी कुलपति गुजरात प्राकृतिक खेती, माननीय श्री राकेश भाई दुधात जी, माननीय श्री लालजी भाई पटेल जी, माननीय श्री धीरू भाई पोटड़िया जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित संतगण, महानुभाव, गुरुकुल के विद्यार्थीगण, खेडूत भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, आज मुझे अपार प्रसन्नता है कि जंगल को मंगल बनाने का इतना बड़ा एक कार्यक्रम जो कई दिनों तक चलने वाला है, इन संतों की कृपा से संपादित होने जा रहा है। गुरुकुल राजकोट जो शास्त्री श्री धर्म जीवन दास जी के सौजन्य से 1948 में प्रारंभ किया गया था, वो छोटा सा पौधा आज एक बहुत बड़ा वट वृक्ष बन चुका है। हमारे मंच पर उपस्थित संतगण, गुरु महाराज श्री देव कृष्ण दास जी, महंत स्वामी श्री देव प्रसाद दास जी, माननीय श्रद्धे श्री धर्म वल्लभ स्वामी जी, मैं इन तीनों को ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में देखता हूं। ऐसे तपस्वी संत जिनका दर्शन मात्र ही सौभाग्य प्रदान करता है, जिनके सानिध्य में बैठकर एक सुख और आनंद की अनुभूति होती है, इन महान संतों को देखकर छल कपट बहुत दूर चला जाता है। इनका अपना जीवन अपने आप में स्वयं एक उपदेश है। भाइयों और बहनों, सूर्य उदय हुआ है या नहीं, यह बात सूर्य को किसी को बतानी नहीं पड़ती। सूर्य का प्रकाश इस बात का प्रमाण है कि वो उदय हो चुका है। ये संत महान है या नहीं, इनको बताने की जरूरत नहीं, इनके संपर्क में बैठकर जो सुख शांति और आनंद मिलता है वो इनकी महानता का प्रमाण है। और ऐसे संतों का संपर्क, सानिध्य, आशीर्वाद इन गुरुकुलों के माध्यम से हजारों हजारों बालकों को प्राप्त हो रहा है, जो राष्ट्र निर्माण में, संस्कृति के उत्थान में और धर्म ध्वजा वाहक बनने में एक बहुत बड़ा संबल बनता है। मैं बधाई देता हूं इन संतों को और आप सबको कि अपने गुरुकुल का अमृत महोत्सव, जब भारत गुलामी की जंजीरों में छटपटा रहा था, उस कालखंड में कुछ ऐसे महापुरुष हुए थे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इस देश की भावी पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम किया था। उत्तर भारत में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी श्रद्धानंद ने
13 अप्रैल 1902 को गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी। उधर काशी में, वहां पर काशी विश्वविद्यालय की स्थापना, उसका बहुत बड़ा कार्यक्रम संपादित हो रहा था। इधर गुजरात विद्यापीठ महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया और राजकोट में पूज्य शास्त्री धर्म जीवन दास जी द्वारा राजकोट गुरुकुल की आधारशिला रखी गई। मानो भारत को चारों तरफ से शिक्षित दीक्षित करने का एक अभियान चला। आने वाली पीढ़ी आजादी के बाद और उस कालखंड में जिस प्रकार के युवाओं की आवश्यकता थी, उनको सोच करके उन महापुरुषों ने इन गुरुकुल की स्थापना की थी। मुझे प्रसन्नता है कि एक 7 बालकों के साथ लगा पौधा, एक राजकोट गुरुकुल, जो 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से सामान्य खेडूत परिवार के बच्चों को शिक्षित करते करते जिसने लाखों बालकों के जीवन का निर्माण किया। आज इस गुरुकुल की 50 शाखाएं हो चुकी हैं, 50 गुरुकुल देश के विभिन्न भागों में बन चुके हैं, जिनमें लाखों विद्यार्थी पढ़ते हों और उन बालकों को संस्कारित किया जाता हो, संस्कृति से जोड़ा जाता हो, धार्मिक परंपराओं से जोड़ा जाता हो, देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता हो। मानव का सही निर्माण तो यही है। माननीय बंधुओं, मैं इन संतों को और स्वामी नारायण संप्रदाय के इन तपस्वी साधुओं को नमन करता हूं कि जो नफासत नजाकत से ठोकर मारकर कठोरता और संघर्ष का जीवन यापन करते हुए जिन्होंने अपना संपूर्ण जीव मानवता के कल्याण के लिए, जीव जगत के कल्याण के लिए, राष्ट्र की अस्मिता और गौरव को बढ़ाने के लिए, भारतीय धार्मिक मूल्यों की स्थापना के लिए, वैदिक परंपराओं को जीवंत रखने के लिए इन शिक्षा संस्थानों को गुरुकुल के रूप में हमारे बीच में प्रस्तुत किया है। और ये बालक आज केवल देश में नहीं, मुझे जानकारी मिली दुनिया के लगभग 170 देशों में गुरुकुल राजकोट के विद्यार्थी और इन परंपराओं के विद्यार्थी अपने संस्कारों का परिचय दे रहे हैं और भारत के गौरव को बढ़ा रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज 75वां अमृत महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब ये संत केवल गुरुकुल ही नहीं अपितु उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सामाजिक आंदोलन के साथ भी जोड़ते हैं, जो समाज में कुरीतियां हैं उनके खिलाफ एक वातावरण बनाने के लिए भेजते हैं और जो आवश्यकता लोगों की है उनकी पूर्ति का भी काम करते हैं। कहीं वृक्षारोपण का कार्य चलाते हैं, कहीं जल संरक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, गुरुकुलों द्वारा विद्या का प्रचार हो रहा, सद्विद्या का प्रचार हो रहा है, जिसके बारे में स्वामी सहजानंद जी महाराज ने उस काल में शिक्षा पत्री में कहा था कि सद्विद्या द्वारा धरती से अविद्या का नाश करना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। इस पुण्य कार्य को इन संस्थानों के द्वारा किया जा रहा है। कहीं गोरक्षा का काम है और पिछले 3 वर्ष से गुजरात में जिस प्राकृतिक खेती का अभियान मैंने छेड़ा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत देश के किसानों को पिछले वर्ष आनंद में 22 दिसंबर को लगभग 8 करोड़ खेडूत उस कार्यक्रम में देश भर के जुड़े थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है
कि मेरे देश का किसान समृद्ध हो, उन्नत हो, खुशहाल हो, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बने, इन सब को लेकर के हमने प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना ही पड़ेगा। नान्य पंथा विद्यते अनाय, इससे अलग अब दूसरा मार्ग नहीं बचता है। मेरे से पहले आज के इस खेडूत सम्मेलन में, प्राकृतिक खेती के सम्मेलन में, अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचार प्राकृतिक खेती में आपके बीच में रखे हैं। मैं बधाई देता हूं इन संतों को कि लगभग 10,000 खेडूत यहां पर उपस्थित हैं। आत्मा के मैं ओएसडी माननीय डॉक्टर दिनेश पटेल जी, उनको भी बधाई देता हूं कि उन्होंने आपसे संपर्क करके इस आयोजन में आपको आमंत्रित किया है। और स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट के माध्यम से, जैसे माननीय श्रद्धे श्री धर्मवल्लभ दास जी स्वामी ने बताया कि ये लोग प्राकृतिक खेती से गंभीरता से जुड़े, कैवल्य स्वामी जी को एक प्रकार से इस मिशन को बढ़ाने के लिए उन्होंने समर्पित किया, और पूर्ण रूप से इनकी इच्छा है कि हमारा पर्यावरण बचे, गौ माता बचे, पानी बचे, धरती जहरीला होना से बचे, किसान कर्जे से मुक्त हो, लोगों को स्वास्थ्यवर्धक अन्न साग भाजी मिले, ये मिशन इन संतों का है। और उसी बात को लेकर आज के अपने इस लंबे कार्यक्रम में सबसे पहला सम्मेलन खेडूत सम्मेलन इन्होंने आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं। खेडूत को राजाओं का राजा कहा है। भाई और बहनों, किसी के पास कितना भी धन हो जाए, हीरा सोना जेवरात मोती कितना भी इकट्ठा हो जाए, लेकिन पेट में अन्न ना जाए तो आंखें नहीं खुलती हैं। कितनी भी तिजोरियां धन की भरी रहें, उनको खा करके पेट नहीं भरता, जीवन नहीं चलता। इस जीवन को चलाने का काम, धर्म कर्म जितने भी दुनिया में हम करते हैं, वो सब इस खेडूत किसान के कारण करते हैं। यदि खेडूत ना हो तो दुनिया का एक दिन का भी कारोबार नहीं चल सकता। इसलिए ये अन्नदाता है, जीवन दाता है, राजाओं का भी राजा है। ये खेडूत सुखी होना चाहिए, समृद्ध होना चाहिए, फलते फूलता रहना चाहिए। और इसके लिए खेडूत बंधुओं, 60 के दशक में हरित क्रांति के नाम से हमने एक आंदोलन हमारे बड़ों ने किया था। उस समय उसकी जरूरत थी, हम विदेश से अन्न आयात कर रहे थे, उस समय जरूरत थी ज्यादा अनाज पैदा हो, और उसमें हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत की, वो सफल भी हुए, उनको भी हम बधाई देते हैं। लेकिन आज यूरिया डीएपी कीटनाशक रासायनिक पदार्थों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण अब उसके दुष्परिणाम हमारे सामने आ चुके हैं। और उसका दुष्परिणाम क्या है? वही साइंटिस्ट जिन्होंने हरित क्रांति प्रारंभ की थी, अब उन्हीं के परिवार जन कहने लगे हैं कि धरती पर 24% ग्लोबल वार्मिंग के लिए रासायनिक खेती जिम्मेदार है। ये रिपोर्ट आ चुकी है, 24% पर्यावरण का नाश करने में रासायनिक खेती का योगदान है। और इस रासायनिक खेती से भूमिगत पानी जल जो है वो दूषित हो चुका है। आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, आज से 20 बरस पहले ये पानी की बोतलें कौन लिए घूमता था? कोई भी नहीं।
कहीं पर भी हम पानी पी लेते थे, कोई चिंता की बात नहीं थी। आज धरती माँ के नीचे का पानी इतना दूषित हो गया है कि कहीं का पानी भी हम पीने की हिम्मत नहीं कर सकते। पानी बिकेगा, क्या हमारे बड़े बुजुर्गों ने कभी सोचा था? आप में अनेक ऐसे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, कौन सोचता था कि पानी की बोतल 15 रुपए में बिकेगी और वो सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। मास्क लगाए लोग घूम रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में सांस लेने की हिम्मत नहीं, छोटे छोटे बच्चों के फेफड़े खराब हो गए, किडनियां खराब हो रही हैं, पेनक्रियाज खराब हो रहे हैं, आई साइड जा रही है, छोटे छोटे बालकों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। ये सब कहां से आया? ये सब हमारे खान पान के दोष के कारण है। आज हम इतना यूरिया डीएपी कीटनाशक खेतों में डाल रहे हैं कि वो स्लो पॉइजन जहर अन्न के द्वारा साग भाजी के द्वारा हमारे शरीरों में पहुंच रहा है। 6 महीने में हमें, मेरी विशेष करके मेरे डॉक्टर हैं राजभवन में, और वो 6 महीने में मेरे को जबरदस्ती हॉस्पिटल में ले जाते हैं और कहते हैं जी चेकअप कराना पड़ेगा आपका सब चीजों का। मैंने कहा भाई मैं ठीक ठाक हूं, मैं प्राकृतिक आहार लेता हूं, गिर गाय माता का दूध पीता हूं, 1 घंटा सवेरे योग प्राणायाम करता हूं, मैं रोजाना हवन किए बिना रोटी खाता नहीं, मेरे को दवाई की जरूरत नहीं, मैं ठीक ठाक हूं। लेकिन कल ही वो मेरे को ले गई कि जी मेरी नौकरी ही इस बात की है और ये जरूरी है आपको चेकअप कराना। तो मेरे को ले गए जी कल, घंटा भर उन्होंने सारे चेकअप कराए, एक दिन मेरा ब्लड निकाल के ले गए, वो टेस्ट कराए तो वहां से रिपोर्ट आई कि बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है, कल ही की बात है। तो मेरे को भी संतोष हुआ और डॉक्टर को शांति मिल गई बेचारे को। तो मैं वहां जब डॉक्टर्स की टीम थी 10-12 लोगों की, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही या घट रही है? तो उन्होंने कहा जी बढ़ रही है। और कैंसर की क्या स्थिति है? पिछले दिनों एक डॉक्टर हैं पटेल, जयेश पटेल जी, जो कैंसर डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि पिछले 5 साल में, ध्यान करो खेडूत भाइयों, डॉक्टर जयेश पटेल का कहना कि पिछले 5 साल में कैंसर के 25% रोगी बढ़ गए हैं। समझ में आई बात? 5 साल में 25% कैंसर के रोगी बढ़ गए और दूसरे भी रोग बढ़ रहे हैं। डॉक्टर जुटे पड़े हैं, दवाइयों के अंबार हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं, उसके बावजूद भी रास्ता नहीं मिल रहा। और ये कोरोना ने कह रहे फिर दस्तखत दे दी। सुन रहे हैं कि नहीं आप टेलीविजन, कल से फिर डरा रहे हैं हमारे को। अब डराने की बात नहीं, संभल के चलना पड़ेगा हम सबको। और वही डॉक्टर ये बात बोलते हैं कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, जिसके शरीर में रोग से लड़ने की प्रतिरोधात्मक क्षमता ज्यादा होगी, उसका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसी का बिगाड़ेगा कि जिसमें रोग से लड़ने की क्षमता नहीं है। अब आप सबसे मैं पूछता हूं कि रासायनिक पदार्थों से पैदा हुए अनाज, दाल, सब्जी, साग भाजी में रोग से लड़ने की ज्यादा ताकत है या प्राकृतिक खेती से पैदा हुए अनाज में रोग से लड़ने की ताकत है? जो प्राकृतिक ढंग से होगा, गौ माता के गोबर गोमूत्र से जो खेती प्राकृतिक ढंग से होती है, वो जहर मुक्त है, उसमें रोग से लड़ने की ताकत ज्यादा है। इसलिए आज समय की मांग है
कि हमने प्राकृतिक खेती की ओर आना पड़ेगा। अब आप जितने खेडूत यहां पर बैठे हैं, अब मेरे से बातचीत करनी आपने, चुपचाप नहीं बैठना, बातचीत करनी, हां ना में हाथ खड़ा करना मैं जब कहूं। क्यों? क्योंकि मैं 35 साल तक बच्चे पढ़ाता रहा हूं, मेरी क्लास में चुप नहीं बैठना है, गुमसुम नहीं बैठना। यदि आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो मैं सोचूंगा कमजोर विद्यार्थी स्वामी जी ने बिठा दिए मेरे आगे, और आप प्रतिक्रिया देंगे तो समझूंगा ये स्वामी नारायण से जुड़े हुए हमारे प्रबुद्ध खेडूत मेरे सामने। आप सब खेडूत की एक ही चिंता है, और वो चिंता क्या है कि यदि हम रासायनिक खेती छोड़ देंगे, यूरिया डीएपी कीटनाशक नहीं डालेंगे तो हमारे खेत का उत्पादन घट जाएगा। हाँ या ना? जिनको चिंता है वो हाथ खड़े करो। ये देखो कितनी बड़ी संख्या है। अब आज आपका मैं यही बहम निकालने के लिए खड़ा हूं। आप क्यों, मैंने अच्छी तरह पता है आप सबके दिमाग में एक बात डाल दी गई है कि यूरिया डीएपी हमने नहीं दिया खेत में तो हमारा उत्पादन घट जाएगा और उससे हमारा आमदनी भी घटेगी और हम बर्बाद हो जाएंगे। ये दिमाग में बात आपके डाली हुई है। अब ध्यान से सुनो कि खेडूत भाइयों, यदि आप रासायनिक खेती छोड़कर जैविक खेती करोगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे, तो पक्की बात है आपका 3 साल तक उत्पादन घटेगा, आपका उत्पादन कम होगा यदि आप जैविक खेती करते हो। जैविक खेती क्या है? जिसमें विदेशी वो हलसिया लाया जाता है, गोबर में वो हलसिया छोड़े जाते हैं विदेशी, वो एक 26 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा उनको मिलता मर जाता है, 6 डिग्री से नीचे होता तो मर जाता है, और वो हैवी मेटल छोड़ता है जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, उससे जो खातर खाद तैयार होता उसमें महीनों लग जाते हैं, और वो खातर जिस खेत में डलता उसमें निंदामण बहुत पैदा होता है, और उससे धरती का ऑर्गेनिक कार्बन पूरा नहीं बढ़ता तो उत्पादन कम हो जाता है। मैंने 3 साल तक जैविक खेती खुद की है, और जब उससे मेरे को लाभ नहीं हुआ तब मैंने प्राकृतिक खेती शुरू की है। खेडूत भाइयों ध्यान से सुनो मेरी बात, जैविक खेती बिल्कुल अलग है और प्राकृतिक खेती बिल्कुल भिन्न है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मैं इस समय अपने यहां गुरुकुल कुरुक्षेत्र हरियाणा में 200 एकड़ भूमि में पिछले 8-9 वर्ष से प्राकृतिक खेती करता हूं, और पूरे खेतों में 200 एकड़ में प्राकृतिक खेती करता हूं, एक बूंद भी यूरिया डीएपी कीटनाशक नहीं डालता। और जो खेडूत ये सोचे बैठे उत्पादन घटेगा, मैं आपको विश्वास देता हूं प्राकृतिक खेती से उत्पादन नहीं घटेगा, जैविक खेती से जरूर घटेगा। आप प्राकृतिक खेती में और जैविक खेती में कोई अंतर नहीं समझ रहे, इसलिए आप खतरा मानते हैं कि हम करेंगे और उत्पादन घटेगा। अब इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ये जैविक खेती नहीं है जो बात मैं करता हूं, ये सजीव खेती नहीं है, ये प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक का मतलब क्या है? आप जंगल में जाओ और जंगल में कितने पेड़ पौधे वनस्पति हैं, आप सबसे पूछता हूं जंगल में जो पेड़ पौधे उनको यूरिया कौन देता है, डीएपी कौन देता है, कीटनाशक कौन डालता है,
पानी कौन देता है? कोई नहीं। लेकिन जब किसी पेड़ पर फल लगने का समय आता है तो जंगल का पेड़ फलों से लद जाता है, और आप जंगल के किसी भी पेड़ के पत्ते को तोड़ करके किसी प्रयोगशाला में ले जाओ और वहां साइंटिस्ट से चेक करवाओ, उस जंगल के पेड़ के पत्ते में एक भी तत्व की कमी नहीं मिलेगी। जब प्रकृति परमात्मा जंगल के हर पेड़ की पूर्ति करता है और उसमें सारे तत्वों की पूर्ति है, उन जंगल के पेड़ को ना यूरिया की जरूरत, ना डीएपी की जरूरत, ना कीटनाशक की जरूरत, जब उसको जरूरत नहीं तो मेरे खेत को क्यों जरूरत है? जो नियम जंगल में काम करता है वही नियम मेरे खेत में काम करे, इसका नाम है प्राकृतिक खेती। ये प्राकृतिक खेती, समझ में आई बात? अब दूसरी बात, बड़ी मोटी बात समझ में आएगी आपकी सबकी बात। खेडूत मित्रों ध्यान करो, ये जो धरती मां है, ये जितना इसका ऑर्गेनिक कार्बन, उपजाऊ क्षमता जितनी बढ़ेगी उतना उत्पादन बढ़ेगा, और इसकी उपजाऊ क्षमता जितनी कम होगी, घटेगी, उतना उत्पादन भी घटेगा। अब आपकी जानकारी के लिए 60 के दशक में यह हरित क्रांति शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश में। एक यूनिवर्सिटी है पंतनगर, जो इस समय उत्तराखंड में आ गई है, वहां से काम शुरू हुआ था। और उस समय के जो साइंटिस्ट थे, एक डॉक्टर नैने करके, उन्होंने उस समय भारत की धरती को लैब में चेक करवाया था कि हमारा ऑर्गेनिक कार्बन कितना है। तो हमारे भारत देश की उस समय धरती का ऑर्गेनिक कार्बन उत्पादन क्षमता इतनी अच्छी थी जैसे जंगल की भूमि की होती है। और उन्होंने नाप करके बताया कि उस समय भारत की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन औसतन 2-2.5% था। 2-2.5% हमारी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन था। और अभी उन्हीं साइंटिस्ट की रिपोर्ट आई है, उन्हीं साइंटिस्ट की रिपोर्ट आई अभी ताजी। उन्होंने बताया कि इस समय सारे भारत की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन औसतन 0.3, 0.4, 0.5 से नीचे आ गया, यानी के 2-2.5% बेहद उपजाऊ जमीन, वो जमीन आज बंजर हो गई है। साइंटिस्ट कहते हैं, कृषि वैज्ञानिक, के जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे होता है वो जमीन बंजर है, बिन उपजाऊ है। और इसी का कारण है खेडूत मित्रों, आपकी धरती बंजर बन चुकी है। क्यों? इसका प्रमाण देता हूं आपको मैं। जब हमारे बड़े बुजुर्गों ने 60 के दशक में रासायनिक खाद डालना शुरू किया था तो वो 1 एकड़ में 10-20 किलो खाद देते थे। 10-20 किलो उत्पादन बहुत होता था। और इस समय आप कितना खाद देते हो? आलू पैदा करने वाला कोई किसान है आप में? हाथ खड़ा करें। कोई आलू पैदा करता खेडूत? नहीं करता। आप इस समय आलू का खेत में, मैं चला गया एक दिन तो उस खेडूत ने बताया, मैं 10 बैग डालता हूं 1 एकड़ में, धरती को सफेद बनाता हूं। अब बताइए, जब 10 बैग 1 एकड़ में डलेंगे और ऐसा आलू जो खाएगा उसको कैंसर नहीं होगा तो और क्या होगा? आज हमारे खेतों में यूरिया डीएपी की डिमांड बढ़ रही है,
हर साल ज्यादा डालना पड़ता है। क्यों डालना पड़ता है? जबकि पहले 10-20 किलो डालना पड़ता था, अब 4-5 बैग डालने पड़ते हैं। इसका मतलब धरती में उपजाऊ क्षमता कम हो गई, उसको बढ़ाने के लिए खातर ज्यादा डालना पड़ता है। अब उससे आपकी लागत बढ़ती है, लागत बढ़ती है तो आप कर्जा लेते हो। उत्पादन कम हो रहा है, लागत बढ़ रही है, आप घाटे में जा रहे हो। यह सबसे बड़ा संकट रासायनिक खेती का है, और इसके साथ पर्यावरण भी बिगड़ गया, पानी भी बिगड़ गया, धरती भी जहरीली हो गई, जीव जंतु सारे मर गए। धरती पर 50% से ज्यादा जीव जंतुओं की प्रजातियां खत्म हो गई हैं। ये पाप हम कर रहे हैं और लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ गया। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है केवल प्राकृतिक खेती। यदि यहां कोई कृषि साइंटिस्ट बैठे हैं तो मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि उन लोगों ने बहुत अच्छा काम भी किया है। लेकिन उनसे अब निवेदन करता हूं कि अब समय बदलने का है, मजबूरी है, नहीं बदलेंगे तो प्रकृति हमें बदलवा करके छोड़ेगी, रास्ता नहीं बचा है कोई भी। और मैं दुनिया के, ध्यान करो मेरी बात की ओर खेडूत मित्रों, मैं सारे विश्व के कृषि वैज्ञानिकों को चुनौती पूर्वक एक प्रश्न पूछता हूं। दुनिया का कोई कृषि वैज्ञानिक ये बता दे मेरे को कि यूरिया डीएपी कीटनाशक डालने से धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, धरती की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, तो हम प्राकृतिक खेती का मिशन छोड़ देंगे और उन्हीं का प्रचार करना शुरू कर देंगे? ये मैं चैलेंज करता हूं, और ये मैं घोषणा करता हूं इस मंच से, धर्म का ये मंच है, कि प्राकृतिक खेती करने से धरती का ऑर्गेनिक कार्बन एक ही साल में बढ़ना शुरू हो जाता है, उनसे घटता है और हमारे से बढ़ता है। इसी का कारण है कि जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 60 के दशक में 2-2.5% था, अब वो कम होकर के 0.5 से नीचे आ गया। सारी धरती पर यूरिया डीएपी पड़ता है, यदि यूरिया डीएपी से ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता तो धरती उपजाऊ होनी चाहिए थी या बंजर होनी चाहिए थी? बोलिए भाई खेडूत लोगों, अब धरती बंजर बनी या उपजाऊ बनी है? बंजर बन रही है। और ये ऑर्गेनिक कार्बन क्यों बढ़ता है हमारी खेती में, प्राकृतिक में, और रासायनिक में क्यों घटता है, इसका मैं साइंटिफिक वैज्ञानिक तथ्य आपको देता हूं। वैज्ञानिक तथ्य सुनो ध्यान से, धरती का ऑर्गेनिक कार्बन धरती की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने का काम करता है हड़सिया। धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम करता है सूक्ष्म जीवाणु। धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाते मित्र कीट। जितने ये धरती में ज्यादा होंगे, जितने आपके खेत में ज्यादा हड़सिया होगा, सूक्ष्म जीवाणु होंगे, मित्र कीट होंगे, ये सारे के सारे धरती की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाएंगे। और रासायनिक खेती क्या काम करती है? यूरिया डीएपी वो डालते हो तो उसमें ये सारे जीवाणु मर जाते हैं। आप खेडूतों से मेरा निवेदन है, अपने खेत से एक हलसिया पकड़ करके लाओ, और ये जो मेज टेबल रखी ना, मेज इस पे रखो, और इस मेज पर रखे हलसिया पे यूरिया डालो, डीएपी डालो, वो जिएगा मरेगा? बोलो भाई कमजोर विद्यार्थियों, जिएगा मरेगा? मरेगा ना, तो फिर ऑर्गेनिक कार्बन कैसे बढ़ेगा? ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम तो हड़सिए ने करना है,
और जो सूक्ष्म जीवाणु है मिट्टी के, वो तो आंख से दिखाई नहीं देते, इतने सूक्ष्म है, और वो हजारों प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, परमात्मा पिता ने सृष्टि के आदि में जब धरती बनाई तो इसके साथ भारतीय नस्ल की देसी गौ माता को भी भेज दिया। देसी गौ माता को भेजा, वो क्या है देसी गौ माता? ये गाय, जो गाय है ना, गाय, कांकरेज, गिर, राठी, साहिवाल, थारपारकर, अंगोल, हमारे यहां 22 तरह की प्रजातियां थी गौओं की देश में, भारत में, आज वो भी लुप्त हो गई हैं। भगवान ने मानो जीवाणुओं की फैक्ट्री के रूप में गौ माता को भेजा है। हमारे को यूरिया डीएपी की फैक्ट्री नहीं चाहिए थी, हमारे को तो भगवान ने पहले ही फैक्ट्री भेजी हुई, वो है गौ माता। और मेरे पास इस समय 10-12 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की टीम है, इनमें डॉक्टर टिम्बड़िया जी भी बैठे हैं आपके बीच में, जो भारत की पहली प्राकृतिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। और इन ऐसे 10-12 साइंटिस्ट हैं, कृषि वैज्ञानिक, मैं इनको बधाई देता हूं कि इन्होंने घिसी पिटी परंपराओं से बाहर निकल करके, जिद नहीं कर करके, किसानों के कल्याण के लिए, ऐसे 10-12 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट देश में हैं कि जिन्होंने मेरे साथ मिलकर के प्रयोगशाला में काम शुरू किया है। और प्रयोगशाला से रिपोर्ट ऐसी आई है कि आप इस डर से बाहर निकल जाओगे कि प्राकृतिक खेती से हमारा उत्पादन घटेगा। एक डॉक्टर बलजीत सारन है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में, इस समय अभी हमने अहमदाबाद बुलाए थे, उस व्यक्ति ने पिछले 6-7 साल से प्रयोगशाला में रिसर्च किए हैं। वो व्यक्ति अमेरिका रहा, फ्रांस रहे, जर्मनी रहे, ब्रिटेन रहे, और वहां के साइंटिस्ट के साथ उन्होंने काम किया है, और वो माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट हैं, जीवाणु विज्ञान के। मैंने उनको एक बार 5-6 पशुओं का गोबर मल दिया और उन मल को घोड़े का, गाय का, बकरी का, ऊंट का, देसी गाय का, भैंस का, और उन सारे मलों को मैंने अलग अलग पीस दिया और थैलियों में भर के नंबरिंग करके फिर भेजा। उनको यह नहीं पता था कि इसमें किसका है, मेरे को पता था कि किस नंबर की थैली में देसी गाय का है, किस नंबर की में हॉस्टन फ्रीजन गाय का है, किस नंबर में भैंस या ऊंट का है, मेरे को पता, उनको नहीं पता था। उन डॉक्टर साहब ने 6 महीने लगाए इस रिसर्च पे, और अंत में जब रिपोर्ट आई तो उन्होंने जो थैली मेरे को दी, उन्होंने कहा इस थैली में जिस गाय पशु का गोबर था वो जीवाणुओं का भंडार है, और वो थी भारतीय नस्ल की देसी गाय, साहिवाल गाय। हमारी ये जो कांकरेज और गिर गाय है ना गुजरात में, ये परमात्मा ने जीवाणुओं की फैक्ट्री भेजी है, और इनका दूध A2 दूध है। मेरे को कल ही रिपोर्ट, मैं गाय रखता हूं मेरे पास, गाय गिर, तो मैंने उसका दूध भेजा, भाई इसका पता करो ये A1 है या A2 है। तो कल ही मेरे को रिपोर्ट दिखाई मेरे लोगों ने, जो कंट्रोलर है हमारे राजभवन का, कि जी आपके पास जो गाय है उसका दूध A2 पाया, मतलब वो अमृत तुल्य पाया, वो स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है, और वो गाय गिर है। जो ये हॉस्टन फ्रीजन जर्सी गाय हैं, इनका दूध A1 है, ये स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में वहीं के साइंटिस्ट ने रिपोर्ट की है, और वो मानते A1 जो दूध का नाम दिया वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, अवसाद बढ़ाता है, स्मृति कमजोर करता है, शरीर में रोग पैदा करता है, वो उपयुक्त नहीं है। और हमारी जितनी भी भारत नस्ल की देसी गायें हैं,
इन सब का दूध अमृत तुल्य है, ये तो दूध है, लेकिन इनके दूध से भी ज्यादा गुणकारी इनका गोमूत्र और गोबर है। हम खेडूतों ने अपनी गायों को जो दूध नहीं देती सड़कों पे छोड़ दिया, बहुत बड़ा पाप है। मैंने ऐसी गाय भी पकड़ी जो दूध नहीं देती, सड़कों पे घूमती थी, मैंने उसका गोबर लिया और लैब में टेस्ट करने भेजा तो उनमें डबल अंतर मिला। वो बलजीत सार ने जो रिपोर्ट दी, उन्होंने मेरी देसी गाय साहिवाल है, कुरुक्षेत्र में 6 नस्लें मेरे पास गुरुकुल में, साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी और लाल सिंधी, 6 नस्ल की गाय भाई राकेश दुधात ने वो देखी है। तो उस देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु मिले जो धरती की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। कितने मिले जी? 300 करोड़, बोलो 300 करोड़। और जो गाय आपने दूध के बाद सड़कों पे बेचारी को छोड़ दिया, उसका गोबर मैंने चेक कराया तो उसमें वही सूक्ष्म जीवाणु 500 करोड़ तक मिले, 500 करोड़। हमने विचार किया कि इसमें इतने कैसे बढ़ गए, तो पाया कि वो दूध नहीं देती, जो शक्ति उसकी दूध बनाने में लगती थी अब वो दूध नहीं देती तो जीवाणु बढ़ाने में लग गई। तो जो गाय दूध नहीं देती उसका गोबर और गोमूत्र दूध देने वाली गाय से भी ज्यादा गुणकारी पाया। तो इसलिए खेडूत बंधुओं, कल जाते ही सड़कों पे जो घूम रहे ना उनको पकड़ो, एक एक अपने खूंटे में बांधो, सब को पकड़ो, ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री जीवाणुओं की। अब क्यों पकड़ो? इसलिए पकड़ो, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये जो आपकी धरती उपजाऊ कैसे बनती है, हमने 2 टेक्निक निकाली है, ये एक टेक्निक है, हम इनसे कल्चर बनाते हैं, मेलवन बनाते हैं। एक का नाम है जीवामृत, एक का नाम है घन जीवामृत। हम क्या करते हैं, 200 लीटर का एक खाली ड्रम ले लेते हैं, उसको जहां पशु बांधते हैं वहां छाए में रखते हैं और उसमें लगभग 180 लीटर पानी से भर दो उसको, सिंपल पानी सामान्य से। और जो देसी गाय है ना, कांकरेज अथवा गिर, इसका 10 किलो गोबर, 8 से 10 किलो गोमूत्र उस ड्रम में डाल दो, मिला दो, और 1.5 से 2 किलो गोड़ और 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन और एक पेड़ के नीचे की एक मुट्ठी मिट्टी उसमें डाल दो, और लकड़ी के डंडे से 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम, कुल 4 से 5 दिन आपने उसको घोलना है। 6ठे दिन 1 एकड़ का खाद तैयार होगा, 1 एकड़ का। दुनिया में इससे सस्ता, इससे सरल और कम समय में कोई दुनिया में खाद फैक्ट्री नहीं बनाती, जैविक में भी 1.5-2 महीने में बनता है, इतना सरल है। अब समझो ध्यान से क्या कमाल है इसका, जब देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं, तो 10 किलो गोबर में कितने होंगे? ये कैवल्य स्वामी जी ने जोड़ लगाया था एक दिन कंप्यूटर में, 30 लाख करोड़ सूक्ष्म जीवाणु उसमें होंगे, 30 लाख करोड़। और उन सूक्ष्म जीवाणुओं को खाने के लिए प्रोटीन दाल का बेसन मिल गया तो वो मजबूत बनेंगे, बलवान बनेंगे, और गुड़ दे दिया तो मल्टीप्लाई होंगे, उनकी वृद्धि होगी और ज्यादा बढ़ेंगे। और मिट्टी में जो एक मुट्ठी मिट्टी, उसमें सूक्ष्म जीवाणु है। अब विचार करो ध्यान से, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट डॉक्टर बलजीत सारन ने रिपोर्ट बनाई कि कितनी स्पीड से जीवाणु ड्रम में बढ़ते हैं,
72 घंटे तक हर 20 मिनट में डबल होते हैं। ध्यान करो, 72 घंटे तक उस ड्रम में ये हर 20 मिनट में दुगने होंगे, दोगुने। तो कितने होंगे उनकी गिनती नहीं की जा सकती। जब आप खेत में पानी देते हो तो पानी के साथ छोड़ो, बूंद बूंद करके, या स्प्रिंकल से छोड़ दो, ड्रिप से छोड़ दो। जब ये सूक्ष्म जीवाणु खेत में जाएंगे, एक ड्रम एक एकड़ के लिए पर्याप्त है। एक एकड़ में जब ये फैलेगा तो धरती में सूक्ष्म जीवाणु पहले हैं, उनसे मिलकर ये मेलवण का काम करेंगे। जैसे हमारी माताएं बहनें पीछे बैठी, उनको पता है, वो रोजाना दही जमाती हैं। एक क्विंटल दूध में आप 100 ग्राम दही डाल दो तो एक क्विंटल दूध दही में बदल जाएगा। ऐसे ही जब ये 200 लीटर का ड्रम सूक्ष्म जीवाणुओं का खेत में जाएगा तो धरती के जीवाणुओं से मिलकर ये मेलवण का काम करेगा, तो उसमें असंख्य जीवाणु पैदा होंगे। जितने ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु होंगे, और ये जीवाणु एक तरह के नहीं होते, खेड़ उत्पन्न हो, हजारों तरह के सूक्ष्म जीवाणु हैं। और ये सूक्ष्म जीवाणु क्या करते हैं, ध्यान करना, ये सूक्ष्म जीवाणु क्या काम करते हैं। साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि आकाश में जो हवा है ना, इसमें 78% नाइट्रोजन है, यूरिया है। ये सूक्ष्म जीवाणु आकाश से, हवा से उस नाइट्रोजन को खींचते हैं और उसका भोजन बनाकर पका के आपके पौधे की जड़ को देते हैं। अब आपसे मैं पूछता हूं, फैक्ट्री वाला यूरिया जो आदमी बनाता वो बढ़िया, भगवान वाला यूरिया बढ़िया है? क्यों भाई? आदमी अपूर्ण है और परमात्मा पूर्ण है। पूर्ण का काम भी पूर्ण है और अपूर्ण का काम भी अपूर्ण है। हम सब अपूर्ण हैं, ठीक है। आप फैक्ट्री जहां यूरिया डीएपी बनता है, उस फैक्ट्री के बराबर से निकलेंगे तो बदबू आएगी, सड़ांद आएगी। लेकिन हवा जो आकाश में है, इसमें कभी बदबू आती है क्या? जहां बदबू उसको भी धकेल ले जाती है ये। तो ये भगवान ने जो आकाश में 78% यूरिया हर समय आकाश में है, और ये सूक्ष्म जीवाणु जो असंख्य गौ माता के पेट से भगवान ने फैक्ट्री लगा करके भेजे हैं, हमने इस टेक्निक से उनकी संख्या हजारों गुना बढ़ा ली। तो ये जितने सूक्ष्म जीवाणु ज्यादा होंगे, ये उतना ही यूरिया धरती को देंगे बना करके। समझ में आई कि नहीं? हाँ या ना? आगे समझ में। अब दूसरा और समझो, आपके खेत की जो मिट्टी है, इसमें फास्फोरस भी है, जिंक भी है, पोटास भी है, मैग्नीशियम भी है, कॉपर भी है, आयरन, सब तरह के तत्व हैं। अब ये आजकल बाहर से डलवाते, क्यों? इन्होंने उन बहुत बड़ा नुकसान किया, वो चर्चा मैं नहीं करूंगा। अब जितने तत्व आपके खेत में है ना, कॉपर, यूरिया और ये आयरन, मैग्नीशियम, पोटास, जो तत्व धरती में है, मिट्टी में, वो गांठ बना के पड़े हैं, सुप्त अवस्था में है। वो तत्व अपने आप पौधे का भोजन नहीं बनते। ध्यान करो, ये जो सूक्ष्म जीवाणु जो गौ माता के पेट से गए हैं, ये सूक्ष्म जीवाणु धरती में पड़े इन खनिजों को खाते हैं, इनसे भोजन बनाते हैं, पकाते हैं और पौधे की जड़ को देते हैं। आई ये बात समझ में? दो काम हो गए, आकाश से नाइट्रोजन ली और जितने पोषक तत्व, ये कहते ना साइंटिस्ट लोग कि ये धरती का कॉपर कहां से पूरा होगा, आयरन कहां से पूरा होगा, मैग्नीशियम, पोटास कहां से पूरा होगा, ये यूं पूरा होगा। और ये जो हड़सिया है ना, हड़सिया, ये धरती में देखो यूं छेद बनाता है, यूं आता है, ये जाता है, यूं आता है।
यूं चलता है, 10-12 फिट तक धरती के खनिज वाली मिट्टी को खाता है और पेट से निकालकर पौधे की जड़ को देता है। इसके पेट से निकली जो मिट्टी है, उस मिट्टी में आपके खेत की मिट्टी से 5 से 6 गुना ज्यादा नाइट्रोजन है, आपके खेत की मिट्टी से 9 गुना ज्यादा फास्फोरस है और 11 गुना ज्यादा पोटास है। और ये हड़सिया जब पूरी जिंदगी जीकर अंत में स्वतः मरता है तो धरती को जितने पोषक तत्व की जरूरत है सभी तत्वों की पूर्ति इसके मृत शरीर करता है। और सूक्ष्म जीवाणु जो पूरी जिंदगी जी करके मरते हैं वो सारे ऑर्गेनिक कार्बन में बदल जाते हैं। हड़सिया सूक्ष्म जीवाणु जितना बढ़ेगा उतनी धरती उपजाऊ बनेगी। जंगल की धरती का आज भी ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% है। क्यों है? क्योंकि वहां यूरिया डीएपी नहीं पड़ता, वहां सूक्ष्म जीवाणु नहीं मारे जाते। आपने सारे सूक्ष्म जीवाणु मार दिए, इस करके आपने जमीन बंजर बना दी, पानी दूषित कर दिया, हवारा जहरीली होगी हवा और मिट्टी भी बर्बाद कर दी। ये है प्राकृतिक खेती का आधार देसी गौ माता। और लंबी बात न करते हुए, हमारे टिम्बड़िया जी बैठे हैं और डॉक्टर दिनेश पटेल जी बैठे हैं, हमने एक अभियान चला दिया है। प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री, कृषि विभाग सब जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी का निर्देश है कि पूरे देश की धरती को हमने जहर मुक्त बनाना है और इसकी ट्रेनिंग हमने देनी शुरू कर दी है। सैकड़ों ऐसे ट्रेनर हमने खड़े कर दिए हैं जो आपके गांव-गांव में आएंगे। आपने एक ही काम करना है कि अपने मित्रों को इकट्ठा करो और वो 2-2, 3-3 दिन आपको ट्रेनिंग देंगे, एक एक फसल की ट्रेनिंग देंगे। इसमें 5 तत्व हैं। जब बीज बोए तो बीज को संस्कारित बीजामृत से करना है ताकि पूरा जर्मिनेशन हो, जमे। उसके बाद घन जीवामृत सूक्ष्म खुश खाद है, समय भाव है इसलिए मैं लंबी बात नहीं करता। वो कैसे बनता है, कब डलता है, जीवामृत कैसे कैसे डलता है, आच्छादन कैसे होता है, वापसा का निर्माण कैसे होगा। प्राकृतिक खेती करोगे तो निंदामण होना बंद हो जाएगा, बीमारी आना बंद हो जाएंगी। मेरे खेत में 200 एकड़ में मैं खेती करता हूं। अभी मेरा धान चावल का 120 एकड़ में चावल था। जिन लोगों ने रासायनिक खेती की उनका खर्चा प्रति एकड़ 15,000 रुपए के लगभग आया, मेरा खर्चा 1,000 रुपए आया। उनका उत्पादन 28 क्विंटल हुआ, मेरा उत्पादन 32 क्विंटल हुआ। तो बताओ खतरा क्यों मानते हो कि हमारा उत्पादन घटेगा? मेरा उत्पादन 32 क्विंटल, उनका 28 क्विंटल, उनका खर्चा 15,000 रुपए, मेरा खर्चा 1,000 रुपए। और गन्ना जिसका गुड़ बनता है, अब मेरा वो 17 फीट लंबा गन्ना है, 550 क्विंटल प्रति एकड़ है, खर्चा उसमें कुछ भी नहीं। और जो गन्ने का खेत करते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में वो 40,000 से 50,000 रुपए प्रति एकड़ खर्च करते हैं और जहर लोगों को खिला के मारते हैं वो अलग है। तो आप सब खेडूत बंधुओं से मेरा निवेदन है, प्राकृतिक खेती के ज्ञान को बढ़ाओ, ट्रेनिंग लो। और आप पूरे खेत में मत करो, आपका जितना टोटल खेत है उसके 4वें-5वें हिस्से में करो। पर पहली बार स्वामी कैवल्य जी भी यहां बैठे हैं और भी हमारे प्राकृतिक खेती के लोग बैठे हैं, ये मैंने अपने खेत में नया अनुभव किया है। मैंने एक पुस्तक इस पे लिखी है लेकिन उसमें कुछ सुधार की जरूरत है, 2 साल के लिए, फिर नहीं पड़ेगी।
जब रासायनिक खेती आप लगातार करके प्राकृतिक में आते हो, तो आपने घन जीवामृत में डालने की बात करता हूं 2 क्विंटल, लेकिन अब मैं करता हूं पहले साल करो 5 से 6 क्विंटल, और जीवामृत हर पानी के साथ दो, हर 15 दिन में स्प्रे करो, पहले ही साल आपका उत्पादन रासायनिक से कम नहीं होगा, पहले ही साल पूरा होगा। और दूसरे साल आपने 6 क्विंटल की जगह 3 क्विंटल करना पड़ेगा जीवामृत, घन जीवामृत, और जीवामृत भी कम होगा, और तीसरे साल और कम होगा, और एक टाइम आएगा जब आपको डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मेरे खेत में जो धान मैंने पैदा किया है, मैंने एक बार जीवामृत देना पड़ा, एक बार, क्यों? ज्यादा देता तो इतने बढ़ जाते वो गिर जाते, इतनी ताकत मेरे खेत में पैदा हो गई। कोई बीमारी मेरी फसल में नहीं आती, कोई कीटनाशक स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों? क्योंकि जमीन में ताकत बढ़ गई है। बीमारी तो उसको आती जो कमजोर होते हैं, वही पेड़ पहले मरेगा जो कमजोर है, जब कोई बाढ़ आएगी पशु वही जाएगा जो कमजोर है, आदमी भी वही बीमारी में लिपटता जो कमजोर है। धरती जब ताकतवर बनेगी तो उसमें पैदा होने वाला पौधा भी रोग से लड़ने की ताकत लेके पैदा होता है। इसलिए खेडूत मित्रों, लंबी मैंने खूब चर्चा की है, मैं स्वामी नारायण राजकूट गुरुकुल के इन सभी संतों को नमन करता हूं जिन्होंने आप सब की चिंता करते हुए प्राकृतिक खेती का एक सम्मेलन रखा, और इसमें आप लोगों को अनेक विद्वानों से जानकारी दी। एक विश्वास पैदा करो, ईमानदारी से खेती करना, ये नहीं है केवल जीवामृत डाल दिया बाकी कुछ नहीं दिया, केवल घन जीवामृत डाल दिया बाकी कुछ नहीं किया, केवल आच्छादन कर दिया। इनके 4-5 सिद्धांत हैं, उनको 5ों को निभाना है। पहले पेड़ बीज का संस्कार करो, फिर घन जीवामृत डालो, फिर हर पानी के साथ जीवामृत दो, आच्छादन धरती को ढक के रखो, और एक समय अनेक फसल बो दो खेत में। जैसे जंगल में तरह तरह के पेड़ पौधे हैं, ऐसे खेत में भी एक साथ अनेक फसलें, पहले ही साल आपका उत्पादन बढ़ेगा और हर साल बढ़ता जाएगा, और जमीन बंजर होने से बचेगी। आने वाली पीढ़ियों को आप उपजाऊ जमीन देके जाओगे, स्वच्छ पानी देके जाओगे, बढ़िया पर्यावरण देके जाओगे, ईश्वरीय काम में मदद करोगे, पुण्य के भागी बनोगे, और रासायनिक खेती से पाप कमा रहे हैं दुनिया भर के जीव प्राणी हमने मार दिए, इस पाप से मुक्ति मिलेगी, लोगों को स्वास्थ्य मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अंत में, भाई मैं गुरु जी रहा हूं, मास्टर जी रहा हूं, बच्चे पढ़ाता रहा हूं, तो अब दक्षिणा दोगे कि नहीं? गुरु दक्षिणा दोगे कि नहीं? संत भी बैठे, गुरु दक्षिणा मेरी क्या है कि ईमानदारी से नहीं करनी तो बिल्कुल हाथ नहीं उठाना है। आपसे संकल्प भी स्वामी जी ने करवाया मन से, और ये हमारा यहां हाथ रखवा छाती पे, अब आप धार्मिक स्थल पर बैठे हो, ईमानदारी से पूर्ण वचनबद्ध होकर, जिसने नहीं करनी बिल्कुल नहीं हाथ उठाना, और करनी तो ईमानदारी से करना, नहीं तो पाप लगेगा। अब मेरे को गुरु दक्षिणा चाहिए, इतना लंबा भाषण सुनने के बाद कितने ऐसे खेडूत हैं जो ये कहेंगे हम प्राकृतिक खेती शुरू करेंगे, हाथ खड़ा करो। धन्यवाद धन्यवाद, अब इनके लिए ताली बजाओ, जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए वो ताली बजाओ इनके लिए, जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए वो ताली बजाओ इनके लिए। धन्यवाद धन्यवाद स्वामी जी।